अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद खिज़र अब्बास, आप देख रहे हैं चैनल के एस पहाड़ी, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस खास तौर पे क्रिकेट के हवाले से। तो अभी से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। आज का पहला क्वार्टर फाइनल करमपुर यूनाइटेड वर्सेस करम चिश्ती बादशाह। करमपुर यूनाइटेड ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। बैटिंग पे है मलिक, कभी बॉल की जानब खेल दिया और रॉकेट शॉट, कोई चांस नहीं है फील्डर के लिए, अंपायर का इशारा चार। चिश्ती यूनाइटेड की तरफ से बैटिंग पे आए हैं मलिक हबीब और उनका साथ दे रहे हैं सरफराज, स्टेट की जानब खेल दिया, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के कॉल, बॉलिंग पे है नबील, अच्छी बॉल, गेंद के हाथ में, कोई चांस नहीं है सिंगल, आज का बहुत बड़ा मुकाबला, अच्छा बॉल, बिल्कुल न समझ के सरफराज टोना, ये मैच छः ओवर में मुश्तमिल है, अच्छा बॉल था, स्टेट की जानब खेल दिया, गेंद सीधी फील्डर के हाथों में, एक रन आसानी के साथ बटोर, अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट का इशारा, फिसिंग पे मलिक हबीब और यहां पे अच्छा बॉल, यॉर्कर बॉल के बिल्कुल मिस के मलिक हबीब, राहुल हबीब फेस कर रहे हैं मलिक हबीब, स्टेट की जानब खेल दिया, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, चिश्ती बादशाह की तरफ से दूसरा ओवर करवाना है अहमद, अच्छा बॉल, ऊंचा खेल दिया, गेंद हवा में देखना होगा और कीमती विकेट हासिल की मलिक हबीब की मोहम्मद अहमद ने, के एस के हड़चाल की जानब से मोहम्मद अहमद को मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत ही कीमती विकेट हासिल की मलिक हबीब की, कैचेस विन द मैचेस, बहुत बड़ा झटका चिश्ती यूनाइटेड के प्लेयर्स को मलिक हबीब की जानब से, मोहम्मद अहमद दूसरी ओवर का खेल जा रही है, ऑफ की जाने खेल देना चाहते थे लेकिन अंपायर अल्ताफ शाह की जानब से वाइड, मियां मोहम्मद यार आशमी मेमोरियल लीग का क्वार्टर फाइनल, इसके बाद कल फाइनल मैच खेला जाएगा, ऑर्गेनाइज़र मियां कासिम पीरज़ादा और खसूसी तआवुन है मोहम्मद जफर या ऑर्गेनाइज़र ऑफ अशारिब होटल, जो भी टीम ये मैच हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और जीतने वाली टीम अठंगल बादशाह से सेमीफाइनल खेलेगी और कल इसी ग्राउंड में इसी मैदान में फाइनल मैच खेला जाएगा, ऑफ की जानब कट के अंपायर का इशारा दो रन, अच्छा बॉल था लेकिन अंपायर अल्ताफ शाह की जानब से डेड बॉल, अंपायर की जानब से वाइड बॉल का इशारा, दूसरे ओवर का खेल जारी, बढ़ता हुआ स्कोर 13, अंपायर के इशारे दो रन, स्कोर बढ़ता हुआ 15, अच्छा बॉल किया लेके जाने खेल दिया सरफराज टोना ने, एक रन आसानी के साथ बटोरा, स्कोर बढ़ता हुआ 16, फेस कर रहे हैं परवेज पेजा, अच्छा बॉल किया, बिल्कुल ने समझ के परवेज पेजा डॉट बॉल, दूसरे ओवर का खेल जारी, स्कोर बढ़ता हुआ 16, मैम ग्राउंड में आने वाले तमाम मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं, अंपायर की जानेब से वाइड बॉल का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 17, डॉट बॉल, अच्छा बॉल किया अहमद की जानब से, दो ओवर के खिताब पर बढ़ता हुआ स्कोर 17, चिश्ती बादशाह की तरफ से तीसरे ओवर के लिए आए हैं मोहम्मद नबील, फेस करें सरफराज टोना, गेंद सीधी अशरफ पठान के हाथों में, कीमती विकेट हासिल की राहुल नबील ने, दूसरा बड़ा झटका सरफराज टोना का चिश्ती यूनाइटेड को, शहजाद जॉन्टी आए हैं नए बैट्समैन, लेग की जानब खेल दिया आसानी के से, एक रन मुकम्मल किया, स्कोर बढ़ता हुआ 18, अच्छा बॉल किया लेग की जानब खेल दिया परवेज पेजा ने, गेंद फील्डर के हाथों में, स्कोर बढ़ता हुआ 19, नबील लेग की जानब खेल दिया सर शहजाद जॉन्टी ने, अंपायर का इशारा, दो रन, स्कोर बढ़ता हुआ 21, जो भी ये टीम मैच जीतेगी वो कल खेलेगी मैच गाजी कलंदर के साथ, कल अच्छी बैटिंग की है मियां कासिम पीरज़ादा ने, वन साइडेड मैच कर दिया, काफ़ी बड़ा हदफ था 88 रन का लेकिन विकेट पे खड़े रहे, जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की और अपनी टीम को मैच जितवाया मियां कासिम पीरज़ादा ने, कल परवेज पेजा ने भी अच्छी बैटिंग की, बोल्ड कर दिया मोहम्मद नबील ने परवेज पेजा को, कीमती विकेट हासिल की अपनी टीम के लिए, लगातार तीसरा बड़ा झटका चिश्ती यूनाइटेड के प्लेयर को, चौथे ओवर के लिए हैं राव तकीर, लेकिन गलत कॉल किया अंपायर का इशारा वाइड, रॉकेट बॉल बिल्कुल शहजाद जॉन्टी, राव तोहीर अच्छा बॉल किया, गेंद सीधा हवा में, राव तोहीर नीचे देखना होगा और तीसरा बड़ा झटका शहजाद जॉन्टी का चिश्ती यूनाइटेड के प्लेयर्स को, चिश्ती यूनाइटेड की तरफ से बैटिंग पे आए हैं एडी सहर, अच्छे बैट्समैन हैं और इनका साथ दे रहे हैं सफदर, रॉकेट बॉल बिल्कुल
نسل اس کی اڈی سہر لیکن الطاف شاہ کی جانب سے وائٹ بال لیکن جانب کھیل دیا امپیئر الطاف شاہ کا دیکھ اشارہ دیکھنا ہوگا اچھے رنز اچھے بیٹنگ اڈی سہر کی جانب سے اس میچ کا پہلا چھکا اڈی سہر کے بلے سے راوتوں کی چوتھی اوور کے لیے اچھا بال بولڈ کر دیا اڈی سہر کو ایک چھکا کھانے کے بعد اچھا کم بیک راوت وکیل کی جانب سے اور یہ میچ واپس کی اچھا بال کیا امپائر کے لیے اشارہ کر رہا ہے اور بیٹنگ پہ ہیں سور عباس نے ڈبلیو بی سی کا تعلق ہے اچھے بولر ہیں اچھے آل راؤنڈر ہیں سور عباس چار اوور کے اختتام پہ بڑھتا ہوا سکور 31-31 رنز کافی کم سکور ہے بڑا ہدف سیٹ کرنا پڑے گا چشتی یونائٹیڈ کے پلیئرز کو لیکن قیمتی وکٹس ان کی گر چکی ہیں ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ بیٹنگ کرنا ہوگی چشتی یونائٹیڈ اسٹیٹ کے پلیئرس کو چشتی بادشاہ کی طرف سے پانچ اوور کیا گیا ہے محمد احمد پہلے اوور میں اچھا پہلا اوور اچھا کیا قیمتی وکٹ حاصل کی ملک حبیب کی ابھی پانچ اوور کے لیے آیا ہے امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا وائٹ بال محمد احمد فیس کر رہے ہیں صفدر امپائر کا اشارہ وائٹ بال لگتا ہے دوسری وائٹ بال ہے احمد کی جانب سے لین اور لینتھ کا خیال نہیں رکھ رہے اسکور بڑھتا ہوا 33 احمد فولٹس بال کی اسٹیٹ کی جانب کھیل دیا فیلڈر نیچے موجود ہیں دیکھنا ہوگا اور انبلیویبل کیچ پکڑا راہل نبیل نے اچھی رننگ کی اور بڑا جھٹکا چشتی یونائٹیڈ کے پلیئر صفدر کی جانب سے اور اونچا شاٹ ہے دو رنز ملیں گے تھرڈ بین کی جانب کھیلے صفر عباس نے دو رنز آسانی کے ساتھ بٹورے سکور بڑھتا ہوا 35 ہو سکتا ہے اور چشتی یونائٹیڈ مکمل صلاحیت کے ساتھ بال کی ممکن ہے سمس کے تو صفر عباس اچھا بال احمد کی جانب سے پانچویں اوور تک کھیل جاری انشاءاللہ کرم پور زلمے کی کٹ میں تشریف لائے ہیں آج احمد سلو بال کی ممکن ہے سمس کے تو صفر عباس دیکھنا ہوگا لیکن بال پیچھے گرا آسانی کے ساتھ ایک رنز بٹورا تصور عباس نے ایک رنز آسانی کے ساتھ کم ملتا ہے چھٹے اور آخری اوور کے لیے آئے ہیں طاہر شیخ اچھا بال کیا دو رنز ملیں گے کپتان آسانی کے ساتھ دو رنز بٹورے طاہر اچھا بال کیا تھا لیکن جانب کھیل دیا فضل عباس نے تیز رننگ ڈسٹینس کی کال دیکھنا ہوگا اور آسانی کے ساتھ دو رنز مکمل کی فضل عباس نے فضل عباس کی جانب سے کوئی چانس نہیں ہے چھکا راکٹ شاٹ موجود ہے دیکھنا ہوگا لگاتار دو بالوں پہ دو چھکے جڑ دیے طاہر کو فضل عباس نے چشتی یونائٹیڈ کے آنر اچھا کم بیک چشتی یونائٹیڈ کے پلیئرز کا کافی کم سکور تھا لیکن 12 رنز آنے کے ساتھ سکور کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے چھٹے اور آخری اوور کی دو بالیں باقی آف کی جانب کھیل دیا کوئی چانس نہیں ہے لگاتار تین بالوں پہ تین چھکے جڑ دیے فضل عباس نے چشتی یونائٹیڈ کے کیپٹن آج اپنے سرائے سر انجام دے رہے ہیں اپنی ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں مشکل حالات میں انہی چھکوں کی ضرورت تھی چشتی یونائٹیڈ کے پلیئر کو اچھا ہدف سیٹ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے لیے چھٹی اوور کی آخری بال اچھا بال ایجوا تھرڈ بین کی جانب کھیل دیا امپائر کا اشارہ دو رنز 61 رنز کا ہدف سیٹ کیا ہے اچھا ہدف ہے تو آپ دیکھتے ہیں چشتی بادشاہ کے پلیئرز اس ہدف کو کس طرح چیز کرتے ہیں اچھے بالر ہیں چشتی یونائٹیڈ کے تصور عباس میچ کے پراپر بالر ہیں فاسٹ ترین بالر ہیں یونائٹ کی طرف سے پہلا اور کروانے ہیں تصور عباس ان کا سامنے فیس کر رہے ہیں اور اچھا بال راکٹ شاٹ اسٹیٹ کی جانب کھیل دیا کوئی چانس نہیں ہے کوئی فیلڈر کے لیے سکور بڑھتا ہوا 63 رنز کا ٹارگیٹ ہے راہل کپور کا ساتھ دے رہے ہیں اشرف پٹھان بہت ہی اچھی بال رہے ہیں تصور عباس سمجھ بھائی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کرنا ہوگی راہل کپور کو ایسے پریس کرنا ہوگا ایسے بیٹ گھمانے سے کیونکہ پہلے اوور میں پریشر بلڈ ہو سکتا ہے کافی اچھے بالر ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تصور عباس آف کی جانب کھیل دیا راہل تقیر نے سکور بڑھتا ہوا 7 تصور عباس امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا وائڈ بال سکور بڑھتا ہوا پہلے اوور تک کھیل جاری آف کی جانب کٹ کیا ایک رنز مکمل کیا دوسرے رنز کی کال آسانی کے ساتھ مکمل کے سکور بڑھتا ہوا 10 یارکر بال لیکن غلط بال کیا تھا امپائر کی جانب سے وائڈ سکور بڑھتا ہوا 11
ग्रिप से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। बॉल स्टेट की जानिब खेल दिया अशरफ पठान ने, एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 12। फुटबॉल किया लेकिन राउत अपील ने गेंद फील्डर के हाथों में एक रन आसानी के साथ बनाया, स्कोर बढ़ता हुआ 13। के साथ बॉल अंपायर का इशारा, ओवर पहले ओवर के यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर चिश्ती बादशाह का 13 रन। दूसरे ओवर के लिए आए इमरान नन्ना, अच्छे लेग ब्रेकर हैं, अहम किरदार अदा करना होगा इमरान नन्ना को अपनी इस बॉलिंग में। और लेग की जानिब खेल दिया राउत अकीर ने पहली बॉल को अंपायर का इशारा, 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 15। इस मैच में वापस आने के लिए कीमती विकेट गिराना होगी राउत अकीर की। लेग की जानिब खेल दिया राउत अकीर ने 6 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 21। दूसरे ओवर का खेल जारी, अच्छा बॉल के ऑफ की जाने खेल दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, अंपायर का इशारा 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 25। 62 रन का हदफ है, अच्छा बॉल, गेंद हवा में, कीमती विकेट है, अगर कैच कर लेते तो बहुत अहम किरदार अदा करते, लेकिन गेंद काफ़ी पीछे गिरा, 2 रन आसानी के साथ बढ़ोरे, स्कोर बढ़ता हुआ 27। अच्छा बॉल है, किसी ने फ्लिक किया राउत अकीर ने, कोई चांस नहीं फील्डर के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 33। 6 रन, अच्छा बॉल एजुआ और अंपायर का इशारा, बॉल आउट कर दिया, कीमती विकेट हासिल की राउत अकीर की, इमरान नन्ना बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया। तीसरे ओवर के लिए आए सरफराज ने, अच्छा बॉल किया अशरफ पठान, स्लो बॉल बिल्कुल अशरफ पठान, लगातार 2 डॉट्स बॉल करवा चुके हैं सरफराज धोनी, हिम्मत रखनी होगी चिश्ती यूनाइटेड के प्लेयर्स को, कुछ भी हो सकता है, मैच अभी भी हाथों में है। ऑफ की जानिब खेल दिया, कोई चांस नहीं है फील्डर के लिए, 6 रन, बिल्कुल अच्छा बॉल हो सकता था लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल, अंपायर का इशारा देखना होगा, नॉट आउट। एक बार फिर सरफराज धोनी ऑफ की जानिब खेल दिया गेंद, सिटी अब फील्डर के हाथों में, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, स्कोर बढ़ता हुआ 41। 62 रन का हदफ है, राहुल नबील अच्छे बैट्समैन है, ऑफ की जानिब खेल दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, अंपायर का इशारा 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 45। 45 रन, 18 बॉल 17 रन बॉलिंग पे हैं, अच्छी बॉलर हैं, अहम किरदार अदा करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, अच्छा बॉल हो लेकिन अंपायर का इशारा वाइड, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, सवाल करेंगे अशरफ पठान का, और लेग की जानिब खेल दिया, फील्डर मौजूद है, देखना होगा लेकिन कोई चांस नहीं है, 6 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 53-53 रन। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो उसके बाद फौरन सेमीफाइनल मैच खेलेगी अठंगल बादशाह के साथ। यॉर्कर बॉल क्या बिल्कुल नहीं समझ सके अशरफ पठान, देर कर दी मेहरबान आते आते, यॉर्कर बॉल था लेकिन गलत बॉल, अंपायर का इशारा वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 54। देखना होगा, अच्छी फील्डिंग, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, स्कोर बढ़ता हुआ 55। 62 रन का हदफ है, ऑफ की जानिब खेल दिया, अंपायर का इशारा देखना होगा, 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 57। सब फेस करें राहुल नबील, अच्छा बॉल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, रॉकेट बॉल लेके जाने फ्लिक किया राहुल नबील ने, अंपायर का इशारा 6 रन, और आसानी के साथ ये मैच विन कर लिया चिश्ती बादशाह के प्लेयर्स ने, के एस वी हरी चैनल की जानिब से। राव तौकीर, राव नबील, अशरफ पठान को और इनकी पूरी टीम को ये मैच जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं।